हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज हम सबको एक दूसरे से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आइए ले चलता हूं आपको जिला किन्नौर के सांगला घाटी में स्थित एक प्यारे से गांव जिसे कामरू के नाम से जाना जाता है। तो आज हम कामरू होली को जानने की कोशिश करेंगे और कामरू होली का लुत्फ उठाएंगे। तो आइए कामरू होली को और कामरू के इतिहास को ग्रामवासियों के मुख जुबानी सुनते हैं। तो मैं प्रथम हमारे पूरे श्री बद्री विशाल जी का धन्यवाद करता हूँ और पूरे हमारे बद्री विशाल के जो भी कारदार है, कामदार है, जो भी सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि आज हमारे ये अभी का नहीं है, हमारे पूर्वजों के टाइम से ही जो हमारे फागुली कार्य होता है शुक्ल पक्ष के से शुरू होता है। तो ये फागुली कार्य के साथ साथ हमारे यहाँ होली पर्व भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह फागुली पर्व सबसे पहले हमारा ये है, सबसे पहले हमारे अष्टपुरी जी का 3 दिन सभी को, लोगों को अंदर बाहर जहाँ भी सबको दर्शन देते हैं। इस बीच हमारे यहाँ पे माधुजी नाम का कार्य होता है। माधुजी नाम के कार्य में जब भगवानों को सब स्नान करके तब कुंगू के द्वारा, लाल रोली के द्वारा उनको होली के द्वारा होली सजाया जाता है। होली सजाने के बाद जब होली होलाश प्रारंभ, उसी दिन ये कार्य होता है। पहला होलाश से शुरू होके ये भगवानों का होली होता है। उसके बाद जब भगवानों का कार्य होता है यहाँ कम से कम 5 दिन, फिर श्री कृष्ण जी के रूप में गर्व गर्व में होता है। उसके बाद यहाँ पे कामरू गाँव में होली पर्व मनाया जाता है। आज से ये बहुत ही पहले से परंपरा, हमारे पूर्वजों के टाइम से परंपरा से चला आ रहा है। आज भी कल परसों 2 दिन होली खेला गया है। होली में भी हमारा 2 प्रकार से गाना गाया जाता है। एक तो गाना गाया जाता है होली का, तुम्हारा प्रहलाद को तारा, फिर भगवान श्री कृष्ण जी के नाम से गाना गाया जाता है भगवान श्री कृष्ण। फिर होली का पर्व इसलिए हमारे यहाँ पे आज दो दिन बड़े शान से होली खेला गया है। हम देवता बद्रीनाथ जी के कामरू, बद्रीनाथ जी कामरू के कमेटी के सदस्य लोग हैं। हमने अपने बुजुर्गों से, हमने जो बद्रीनाथ जी के बारे में सुना था उसका थोड़ा सा व्याख्यान करना चाहते हैं कि बद्रीनाथ जी कैसे आए और कैसे यहाँ पे गांव बसा, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आपसे विचार विमर्श करना चाहते हैं। पूरा प्राचीन काल में जब बद्रीनाथ जी का जो उद्गम हुआ तो ये उत्तराखंड के बद्रीधाम से भगवान विष्णु ने 3 रूप लिया ऐसा हमने सुना है। एक तप रूप में, एक देव रूप में, एक अन्न रूप में। जो तप रूप में थे वह स्वयं बद्रीनाथ जी बद्रीधाम में रहे और देव रूप में जो बद्रीनाथ जी यहाँ कामरू आए और अन्न रूप में गढ़वाल के राजा कहलाते हैं। यहाँ बद्रीनाथ जी आने जब आए थे, इन्होंने अपना स्थान यहाँ चुना था तो यहाँ पर एक पानी का झील हुआ करता था। तो बाकी उसके बाद कामरू गांव बसा तो इस गांव को बद्रीनाथ जी ने एक रियासत के नाम से चलाना था, तो इसके लिए एक राजे का होना अति आवश्यक था। तो बद्रीनाथ जी ने कांची नगर, कहते हैं कि हमारे उसमें लिखा हुआ है कि कांची नगर से जाके एक राजा प्रद्युमन सिंह को ला के यहाँ कामरू में राजकाज थमाया। प्रद्युमन सिंह राजा पहला राजा जो इस कामरू रियासत का था, उसके बाद यह कामरू गांव में रियासत चलते रहा। तो 122 राजाओं का राज इस किले में हुआ शनाकत है। फर्स्ट राजा प्रद्युमन सिंह है, बाकी तो हमारे पास वंशावली के अनुसार मंदिर में है, हम पूरा डिटेल तो नहीं दे पाएंगे। लेकिन आखिरी जो इस किले का जो आखिरी राजा था वो राजा महाराजा पद्म सिंह जी रहे। उसके बाद राजा वीरभद्र सिंह आए, राजा वीरभद्र सिंह का अभिषेक किसी कारणवश नहीं हो पाया।
तो जो भगवान विष्णु भगवान है वो स्वयं कृष्ण है और स्वयं सारा ये रचना करने वाले हैं, स्वयं ये कृष्ण भगवान है। तो जहाँ भी ये भगवान श्री कृष्ण की जहाँ भी भूमि है वहाँ पर एक होला के नाम से होलास्ट के नाम से त्यौहार मनाया जाता है। तो हमारे भी उसको पहले से जो हमारे जो राजों के टाइम का बोलो चाहे हमारे बुजुर्गों के टाइम का बोलो तो होलास्ट का दिन आता है हमारा एक फगुली का त्यौहार होता है जिसमें हमारे अष्टपुरी जो स्वयं है भी बद्रीनाथ जी है अष्टपुरी हमारे 3 दिन के लिए यहाँ मंदिर में नीचे वाले मंदिर में प्रस्थान करते हैं। तो वहाँ पे आके 3 दिन उनका वहाँ पर रुकना होता है। 3 दिन में से शुरू दिन में नाशमिक होता है और अगले दिन फिर माजोजिंग होता है। माजोजिंग में ये होता है कि पहले हमारे यहाँ किले में कारगर लोग आके यहाँ पर पूरे जो बद्रीनाथ जी के असली जो अपनी जो मूर्तियाँ सबको निकाल के उनको स्नान इत्यादि कराया जाता है। उसके बाद यहाँ से हमारा होलास्ट का शुरुआम किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर करने के बाद फिर सभी कारदार लोग फिर नीचे शुकिम नामक स्थान पे जाते हैं जहाँ अष्टपुरी विराजमान होते हैं। वहाँ जाके फिर वो अष्टपुरियों को भी दूध व उससे सारा उससे स्नान इत्यादि कराने के बाद कुंगू द्वारा होलास्ट का वहाँ भी गाँव वालों के साथ शुरू किया जाता है। जैसे उनको मतलब होलास्ट उनको कुंगू द्वारा इत्यादि से स्नान किया जाता है उसके बाद गाँव वाले भी आपस में फिर कुंगू इत्यादि से होलास्ट का शुरू किया जाता है। उसके बाद हमारा होलास्ट शुरू है। उसके बाद हमारा जैसे हमारे देवता साहब नीचे निकले वो देवता साहब फिर अंदर चले जाते हैं अष्टपुरी। उसके बाद हमारे पर्व राजस्व फिर गांव में आते हैं। 3-4 दिन का उनका पूरा गांव का एक वो होता है दौरा होता है जिमदारों के पास कृष्ण भगवान के रूप में ही वो भी हर किसी के घर में जाते फिर अपना त्यौहार करके फिर 4 दिन में वो भी अंदर चले जाते हैं। तो उनके अंदर जाने के बाद उसके बाद गाँव वाले फिर होली का आयोजन किया जाता है गाँव में। तो उसमें हमारा सब पहले का चला हुआ है ये तो कामरू गांव तो बहुत ही पुराना गांव है ओल्डेस्ट मतलब विलेज है हमारे गांव का नाम पहले मोने था। मोने के बाद वहां से हमारे कोई एक कामख्या देवी जी आई का आसाम से गुवाहाटी से वो अभी यहां हमारे मंदिर में विराजमान है देवी कामख्या देवी के नाम से उनके नाम से कामख्या देवी के नाम से हमारे गाँव का नाम कामरू पड़ा। अन्यथा हमारे गाँव का नाम पहले मोने हुआ करता था। ये तो बहुत ही पुराना गांव है तब से लेके अब 122 राजों का इतिहास निकालो तब से यह होली चला हुआ है। आज भी हम उसी उसको आज रूटीन में चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों जैसे आप लोगों ने सुना कि कामरू गांव का इतिहास जो है कितना पुराना इतिहास है और इस गांव से कितने राजाओं ने यहां पर राजपाट को चलाया है और आज भी कामरू गांव में जो है बहुत सारे त्योहारों का आयोजन किया जाता है जिसमें से फाग त्यौहार है जो बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी बीच में ही होली फेस्टिवल आता है। होली फेस्टिवल भी बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं। और आपने कामरू का इतिहास भी सुना कि कामरू को पहले मोने के नाम से जाना जाता था और किस कारण जो है आज कामरू को कामरू गाँव के नाम से जाना जाता है। तो आइए मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में तो मैं आपको होली की कुछ झलकियाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ।
श्री राम। We'll be right back.
तो दोस्तों ये था कुछ कामरू होली की झलकियाँ। उम्मीद है आपको ये झलकियाँ बहुत पसंद आई होगी। अगर आप कभी इन फ्यूचर सांगला वैली की और होली फेस्टिवल के दौरान विजिट करते हैं तो कामरू ज़रूर जाइएगा। कामरू होली बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर जाए और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू दोस्तों।